हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज फिफ्टींथ और सिक्सटीन चैप्टर से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर आल्सो सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी वॉज एस्टेब्लिस्ड इन नाइनटीन सो so, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर फिफ्टीन से है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कैलेंडर सो जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो कब आपका एस्टेब्लिश हुआ कब हमारे गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया किसने कमेटी बनाई तो इस चैप्टर में ये सब है तो सबसे पहले हमारे जो चेयर किन चेयरमैन के अंडर हमारा जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था 1952 में सो so, इसका आंसर है आपका मेघनाथ शाह इनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमारा जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है दैट वाज रिफॉर्म्ड इन 1952 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी सो उसके सेक्रेटरी कौन थे दैट इज़ एन सी लाहरी ही वाज द सेक्रेटरी नेक्स्ट इज़ इसके अलावा पिछले क्वेश्चन में जो ये हैं दीज वर दम्बर्स उस कमेटी के ये मेबर्स थे इनके अलावा और भी मेम्बर्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द नेशनल कैलेंडर सो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर था उसका एक और नाम है दैट इज सविहाना साका कैलेंडर यह हमारा इंडियन नेम है इंडियन कैलेंडर का ठीक है इसको एक्सेप्ट कब किया गया था इसको एक्सेप्ट किया गया था मार्च ट्वेंटी टू नाइनटीन फिफ्टी सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सलवी हाना शाखा क्रोनोलॉजी स्टार्टेड इन सो so, आगे अब हम जो कर मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी कम से कम आपके ये छः से सात क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इंडियन कैलेंडर में रखे गए थे कि ये ये पॉइंट्स जो हैं वो माने जाएंगे सो so, उसमें सबसे पहले था जो सालवीहाना शाखा का क्रोनोलॉजी है वो कब स्टार्ट की गई दैट इज़ सेवेंटी एट ए डी में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर द न्यू फर्स्ट ईयर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विच इक्विनॉक्स डे सो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट मंथ होगा वो कौन से इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स के साथ आएगा दैट इज स्प्रिंग मतलब जो हमारा मार्च आता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू मार्च उससे हमारा जो मंथ है वो कंसिडर किया जाएगा हमारा जो ईयर है वो स्टार्टिंग स्टार्ट ईयरिंग ईयर की स्टार्टिंग कंसिडर की जाएगी स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कैलेंडर हैज़ बिन अलाइंड विद विच कैलेंडर सो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो किस कैलेंडर से अलाइंड है सो so, इसका आंसर है आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर से हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर अलाइंड है नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू ईयर विल बी कमेंस फ्रॉम द मंथ ऑफ अभी हमारा न्यू ईयर तो मैंने बता दिया कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स से स्टार्ट होगा सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर हमारा फर्स्ट मंथ कौन सा होगा सो अवर फर्स्ट मंथ इज चेत्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेत्रा वैशाखा ज्येष्ठा श्रावणा आषाढ़ ब्रापदा मंथ कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डेज सो ये हमारे कुछ हिंदू नेम्स हैं हमारे मंथ के नाम हैं ये सो so, ये जो मंथ हैं चेत्रा जेष्टा तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप याद रख सकते हो जो कई बार रिपीट हो चुके हैं जैसे चेत्रा है जेष्ठा है आषाढ़ है सो so, ये जो मंथ्स हैं इनमें कितने डेज होते हैं सो so, इनके अंदर आपके थर्टी वन डेज़ होते हैं चुपचेतरा आपका जो मंथ होता है उसके अंदर थर्टी वन डेज होते हैं नेक्स्ट इज़ द मंथ ऑफ अश्विन कार्तिक मार्ग मार्ग शीर्षा पोश माघ फागुन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डेज सो ये जो हमारे मंथ साइन के अंदर कितने डेज होते हैं दैट इज़ थर्टी डेज ठीक है देखो कार्तिक है आपका पोष है माघ है फागुन है सो so इन दिनों में आपके थर्टी डेज होते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस ऑफ एटी टू पॉइंट थर्टी ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट इलेवन नॉर्थ लॉन्गिट्यूड सो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं सो ये आपके प्रयागराज जो सिटी है ये उस सिटी के आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करने का रेफरेंस पॉइंट कह लो आप एक तरह से उसको कंसीडर किया जाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके सिक्सटीनथ चैप्टर के हैं जिसका नाम है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कि जो इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम यूज़ होता है वो क्या है कहाँ से शुरू हुआ और आपके जी के बारे में गिवन है सो so, इसके ऊपर क्वेश्चन है इस चैप्टर में सबसे पहले आपके लोंगिट्यूड और लेंगीटीट्यूड्स के बारे में गिवन है सो so, जो ले, लेट लैटिट्यूड और लोंगिट्यूड हैं सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए दे आर द वर्टिकल एंड हॉरीजोन्टल लाइंस जो हमारे आ, मैप पे प्रेजेंट होती हैं सो so, उनका काम क्या होता है उनको यूज़ किस लिए किया जाता है वर यूज़ टू फाइंड द पोजिशन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगाने के लिए लॉन्गी और लैटीट्यूड्स को बनाया गया है सो हमारा क्वेश्चन है द लेटिट्यूड्स आर सर्कल टू द इक्वेटर आर द लाइंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल सपोज करो ये मेरा अर्थ है ठीक है दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर सो इसके अंदर ये वाली जो लाइन्स हैं दे आर कार्ड एज लेटिट्यूड्स सो द लेटिट्यूड्स आर द सर्कल पैलल टू द इक्वेटर सपोज मेरा मैंने इक्वेटर यह बनाया था अगर ये मेरा इक्वेटर है तो इसके जो लाइन्स पैलल चल रही हैं दे आर लेटिट्यूड्स और जो लाइन्स ऐसे हैं आपकी दैट इज रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर नोन एज लोंगीट्यूड्स सो आपका इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेन द सन रीचिज़ द जेनेथ इट इज सेट टू बी डैश ऑन दैट मेरीडियन सो प्राइम मेरिडियन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो so, इसने पूछा है जब हमारा जो सन है वो जैनित पे चला जाता है तो उस टाइम पे क्या टाइम होता है मॉर्निंग होता, 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 होता है इवनिंग होता है आफ्टरनून होता है या नून होता है सो दैट टाइम इज कंसिडर्ड एज नून टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बिन डिसाइडेड टू मार्क द टाइमिंग इन डिफरेंट लोकेशंस एंड दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ कॉल्ड एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है कि हर जगह का जो टाइमिंग है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी तो उसको क्या नाम दिया गया है तो आपने जी एम टी दैट इज़ ग्रीन विच मीन टाइम और यूनिवर्सल टाइम ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं बिकॉज़ बोथ आर सेम सो इनमें से अगर कोई भी चीज़ आ जाए जो आपसे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछे सो so, उसको हम या तो ग्रीनविच टाइम बोलेंगे या फिर यूनिवर्सल टाइम बोलेंगे सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अ जोन कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टीन लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम द ग्रीन विच हैज बीन कंसीडर्ड एज डेस्ट टाइम जोन सो सबसे पहले चलो कोई नहीं आगे बताती हूँ कि हमारा जो टाइम जोन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है तो इसने पूछा है सबसे पहले कि जो फिफ्टीन लॉन्गिट्यूड हैं ग्रीन विच से सो उसको कौन सा टाइम जोन कंसीडर किया जाता है दैट वाज कंसीडर्ड एज फर्स्ट टाइम जोन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यही है हाउ मैनी टाइम जोन्स हैज़ बिन कंसिडर्ड अक्रॉस द ग्लोब सो हमारे ग्लोब के अक्रॉस देयर आर ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स जो कि टाइम को बताती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मरीडियंस आर सिचुएटेड एट एवरी लोंगिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश डिग्रीज फ्रॉम द प्राइम मरीडियन सो इसका आंसर आपका आएगा फिफ्टीन डिग्रीज जो स्टैंडर्ड मरीडियन है वो हर के कितने डिस्प्लेसमेंट पे प्रेजेंट है जैसे कि एक तो फिफ्टीन पे है दूसरा आपका थर्टी डिग्रीज पे होगा तीसरा आपका फोर्टी फाइव पे होगा और सो so ऑन तो हर का डिफरेंस कितना है आपका फिफ्टीन डिग्रीज का द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्रीज ऑफ ईच टाइम जोन आर मार्क्ड एट लोंगीट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश अबाउट द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेरीडियन जो स्टैंडर्ड मेरीडियन है उसके ईस्ट और वेस्ट में जो आपकी टाइम जोन को मार्क किया गया वो कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है सो so, इसका आंसर है आपका सेवन पॉइंट फाइव डिग्रीज़ के डिस्प्लेसमेंट पे हर जोन को मार्क किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द टाइम जोन रेंजिंग फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव डिग्रीज वेस्ट टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्रीज वेस्ट ईस्ट आएगा इधर शायद टाइम इज़ टाइम इन दिस जोन इज़ शोन दैट द ग्रीन विच स्टैंडर्ड टाइम बाय वन आर इसने बोला है जो आपका सॉरी यहाँ पे वेस्ट ही आएगा जो टाइम जोन है आपकी रेंज करती है इतने और इतने के बीच में इस जोन में जो आपका ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है वो ज़्यादा होता है या कम होता है सो so इसका आंसर आएगा जो भी टाइम जोन आपकी इस रेंज में आती है तो उसका टाइम आपके ग्रीनविच टाइम से शॉर्टर होगा ठीक है तो कम होगा बाय एन आर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टाइम जोन्स टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ ग्रीन विच आर कंसिडर्ड एज डैश द टाइम इन दोज जोन इज मोर देन द ग्रीन विच मीन टाइम सो देखो वो पिछले वाला ईस्ट में था सो so, जो वेस्ट वो सॉरी लास्ट वाला जो था वो वेस्ट में था और इन टाइम जोन पे हम ईस्ट में बात कर रहे हैं किसके ग्रीनविच के सो so, ग्रीनविच में जो आपका टाइम जोन है वो आपके प्लस वन प्लस टू मतलब इंक्रीजिंग कंसीडर किए जाते, है, जाते हैं दैट इज ग्रेटर कंसीडर किए जाते हैं ठीक है सो so, जो ग्रीनविच टाइम होता है उससे ईस्ट साइड जब हम मूव करते हैं तो उधर जो टाइम है वो ग्रीनविच मेन टाइम से ज़्यादा होता है या तो एक आर या दो आर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड पासिस थ्रो द पेसिफिक ओशियन सो उस लाइन को हम बोलते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज़ इसकी शॉर्ट फॉर्म है आई डी एल सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी एंड सी इंटरनेशनल डेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ चूशन चूजन डैश डिग्रीज इस लॉन्गिट्यूड एज अ रेफरेंस लाइन फॉर इट्स टाइम जोन सो किस डिग्री को हमने कंसिडर किया है अपना रेफरेंस लाइन टाइम जोन का रेफरेंस लाइन सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका एटी टू पॉइंट फाइव ठीक है तो आपको पता है हमारा जब हम अपने फोन वगैरह में टाइम सेट करते हैं आप जी एम टी फाइव पॉइंट थर्टी आर्स करते हैं सो so वही हमारा ग्रीनविच टाइम होता है मीन टाइम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थ टेक्स एन आर टू ट्रेवल ओवर फिफ्टीन डिग्री एंगल ठीक है और फोर मिनट्स टू रोटेट ओवर अगर हमारा अर्थ एक आर लेता है फिफ्टीन डिग्री एंगल को कवर करने में तो एक चार मिनट को रोटेट करने में कितने एंगल्स कितने चार मिनट में कितने एंगल्स रोटेट होगा सो दैट इज वन डिग्री एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ जी एम टी प्लस डैश इंटू फोर इज़ यूज टू डिसाइड द टाइम ओवर अ स्पेसिफिक लोंगिट्यूड और मेरीडियन सो एक फॉर्मूला है आपका जी एम टी प्लस लोंगिट्यूड इंटू फोर इसको कंसिडर इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है किसी भी जगह का आपका ग्रीन विच टाइम पता लगाने के लिए देखो इसका एक एग्जाम्पल भी डाला है इंडिया ने रेफरेंस लॉन्गिट्यूड को कंसिडर किया एटी टू पॉइंट फाइव सो एटी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर इज इकल टू थ्री 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 जीरो दैट इज फाइव आर्स थर्टीन मिनट्स थर्टी मिनट्स सो वैन इट इज़ ट एम इन ग्रीन विच द टाइम इन इंडिया इज़ फाइव थर्टी ए एम ठीक है सो so, ये आपके क्वेश्चन से चैप्टर नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन से थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें जल्दी ही जैसे ही आपके बस चार चैप्टर और रह गए हैं इसके बाद इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के मोक सीरीज़ आपकी शुरू हो जाएगी ओके okay, स्टूडेंट्स